बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स ग्रेड 7 आईसीटी यूनिट 2 लेक्चर नंबर 2। आवर टॉपिक इज मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2010। ओपन योर बुक पेज 19। हाउ टू मर्ज और स्प्लिट सेल्स। स्टूडेंट्स, आज जो हमने वर्ड में काम सीखना है वो ये है कि हम जो अपने सेल्स हैं उनको किस तरह से मर्ज करते हैं और स्प्लिट करते हैं। सेल्स मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेसन में कि जो सेल्स आपके पास होते हैं वो रोज़ और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं। जो रोज़ और कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है उसको हम सेल कहते हैं। मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग मीन्स कम्बाइनिंग टू और मोर सेल्स इंटू अ सिंगल सेल। मीन्स कि आप लोग जो हैं वो कम्बाइन कर दें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो सेल्स हैं उनको सिंगल सेल में, तो हम उसको मर्जिंग बोलते हैं। यू कैन मर्ज टू और मोर रोज इंटू अ सिंगल रो। आप एक से ज़्यादा जो रोज़ हैं उनको भी सिंगल रो में मर्ज कर सकते हैं। सिमिलरली टू और मोर कॉलम्स कैन आल्सो बी मर्ज इंटू अ सिंगल कॉलम। आप एक या एक से ज़्यादा जो कॉलम्स हैं उनको भी मर्ज कर सकते हैं सिंगल कॉलम में। फॉलोइंग द स्टेप्स, जो आप लोगों के पास स्टेप्स हैं वो आप लोग फॉलो करेंगे जब आप लोग करना चाहेंगे एक सेल को मर्ज। फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट द सेल यू वॉन्ट टू मर्ज। सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं। सेकेंड पे क्लिक द लेआउट टैब। आपके पास ऊपर एड्रेस बार में लेआउट जो है वो शो ऑफ हो रहा है, आपने उसको क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से एक सिलेक्टिंग पहले आपने की है, फिर आपने लेआउट को प्रेस किया तो आपके पास मर्ज सेल का जो ऑप्शन है वो शो ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक द मर्ज सेल्स। आप लोग जो हैं माउस से क्लिक करेंगे मर्ज सेल्स पे फ्रॉम दी मर्ज ग्रुप में। मर्ज ग्रुप आपके पास शो ऑफ हो रहा है। जब आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो उसमें मर्ज सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, द सेल्स गेट मर्ज। ओपन योर बुक पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे आप लोगों को अपनी बुक में शो ऑफ हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने जब उस मर्ज सेल्स को सिलेक्ट किया है जो आपके सिलेक्टिंग सेल्स थे वो मर्ज हो चुके हैं। जैसे कि आप लोगों के पास सब्जेक्ट और मार्क्स जो है वो अलग अलग आ रहा है। सब्जेक्ट और मार्क्स जो है आप लोगों के पास वो अलग अलग शो हो रहा है। सेल्स जो हैं वो अलग शो हो रहे हैं आप लोगों के पास। जब आपने उन्हें सिलेक्ट करके मर्ज सेल्स किया है तो वो आप नेक्स्ट 20 पेज पे टॉप पे देख सकते हैं कि जो वो सब्जेक्ट और मार्क्स है आप लोगों के पास वो मर्ज हो चुका है। मीन्स के वो टू रोज थी वो सिंगल रो में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने सीखने हैं कि स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग सेल्स मीन्स डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इंटू मल्टीपल सेल्स। अब इट्स मीन कि जो आप लोगों के पास सिंगल सेल है उसको आप मल्टीपल सेल्स में किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है स्प्लिटिंग का मीन है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास के जो आप लोगों के पास सिंगल सेल है उसको आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स में। अब आपको स्प्लिटिंग के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो अप करने हैं। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट सिलेक्ट दिस सेल और मल्टीपल सेल्स यू वांट टू स्प्लिट। सबसे पहले जो आप लोगों ने जो रोज हैं या कॉलम्स हैं या सेल्स जो हैं आप लोगों के पास, आप लोग उसे मर्ज करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप लोग उसे क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सेकंड पे क्लिक द लेआउट टैब। लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक स्प्लिट सेल्स फ्रॉम मर्ज ग्रुप। आप लोगों के पास जैसे मर्ज सेल्स शो ऑफ हो रहे थे इसी तरह से उसके जो नीचे आप लोगों को शो ऑफ हो रहा है स्प्लिट सेल्स, आप उसको क्लिक करेंगे, द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपेयर। आप लोगों के पास एक स्प्लिट साइज डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। टाइप द नंबर्स ऑफ कॉलम। आप नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज जो से हैं वो इसके अंदर टाइप करेंगे। इसको बताएंगे कि आपको कितने जो सेल्स हैं वो स्प्लिट चाहिए, आप लोगों को कितने जो सेल्स हैं उनको स्प्लिट करना चाहते हैं आप लोगों के पास स्टूडेंट्स। इस तरह से जो है स्प्लिटिंग वो आप स्टार्ट कर देंगे कि जो आप लोगों के पास मर्ज सेल्स हैं आप उनको स्प्लिट कर रहे हैं। लेआउट पर प्रेस किया, फिर मर्ज सेल्स के नीचे ही मैंने आप लोगों को अभी बताया कि स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके जो सिलेक्ट सेल्स हैं उनके साथ ही आप लोगों के पास ये एक डायलॉग
बॉक्स जो है वो अपेयर हो जाएगा सेपरेट सेल्स। इसमें आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताएंगे और नंबर ऑफ़ रोज बताएंगे कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज को सेपरेट करना चाहते हैं, देन आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे ओके बटन पर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्लिक ओके, सेल्स गेट स्प्लिट अप एज डिजायर्ड। जिस तरह से आप चाहते हैं आपके जो सेल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, मींस के डिवाइड हो जाएंगे। हाउ टू मूव एंड रीसाइज अ टेबल। स्टूडेंट्स आप लोगों के बुक पेज 21 पर आप लोगों का आज हम एक और न्यू टॉपिक कर रहे हैं, हाउ टू मूव एंड रीसाइज अ टेबल। अब हमने ये सीखना है कि हम एक टेबल को किस तरह से मूव करवा सकते हैं और इसको रिसाइज कर सकते हैं। मूविंग अ टेबल, टू मूव द टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप लोगों को एक टेबल को मूव करवाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में जो है वो आप लोगों को गिवन है, क्लिक ऑन द टेबल कॉर्नर दिस साइन। जो आप लोगों के ऊपर टेबल कॉर्नर गिवन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल के कॉर्नर पर सिलेक्ट करेंगे और यू विल देन नोटिस अ प्लस साइन एट द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। दिस साइन इज नॉन एज टेबल मूव हैंडल। जो आप लोगों के पास टेबल के कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से एक साइन शो होगा स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, टेबल मूव हैंडल। इस तरह से आप लोगों के पास एक प्लस का साइन शो ऑफ होने लग जाएगा जब आप टेबल का जो आपका कॉर्नर है उसके जो एजेस पे शो होती हैं लाइंस उनको क्लिक करेंगे तब। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल मूव हैंडल एंड ड्रैग द टेबल टू वेयर यू वांट बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। आप अपने माउस बटन का जो लेफ्ट है बटन उसको क्लिक करते हुए जो आपका माउस का पॉइंटर है उससे जो आपने टेबल मूव हैंडल है उससे आप ड्रैग कर सकते हैं अपने टेबल को जहां पर भी आप उसको लगाना चाहते हैं, जहां पर भी पेज पर आप उसको देखना चाहते हैं। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट रिलीज़ द माउस बटन। आप अपने माउस बटन का जो लेफ्ट आपने प्रेस किया ड्रैगिंग के लिए वो आप उसको छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे। योर टेबल इज़ प्लेस्ड एट दैट प्लेस। जो आपका टेबल है वो उस जगह पर चला जाएगा जहाँ पर आप चाहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आप लोगों के है रिसाइजिंग अ टेबल। आप अपने टेबल को किस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। टू रिसाइज अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप लोगों को कुछ स्टेप्स गिवन है कि आप अपने जो टेबल है उसको रिसाइज किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्लिक ऑन द टेबल। आप सबसे पहले टेबल पर क्लिक करेंगे, यू विल नोटिस अ स्मॉल स्क्वायर। आपको इस तरह से एक स्मॉल स्क्वायर शो होगा एट द राइट साइड बॉटम कॉर्नर द टेबल। जो टेबल है आपका उसके राइट साइड पे जो है स्टूडेंट्स उसके बॉटम में आपको इस तरह से एक स्क्वायर शो होगा, स्मॉल स्क्वायर शो होगा आप लोगों को। दिस स्मॉल स्क्वायर इज नॉन एज टेबल रिसाइज हैंडल। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल रिसाइज हैंडल। थर्ड स्टेप में मूव द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल रिसाइज हैंडल। आप जो अपने माउस बटन का पॉइंटर है माउस है उसको जो है वो टेबल रिसाइज हैंडल पे मूव करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में ड्रैग द टेबल टू द डिजायर्ड साइज बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए ड्रैगिंग करते हुए आप अपने टेबल के साइज को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट्स रिलीज द माउस बटन व्हेन यू गेट द डिजायर्ड साइज। आप अपना साइज जितना आपको चाहिए आप करने के बाद अपने जो माउस बटन है उसको छोड़ देंगे ताकि आपको वो साइज़ मिल जाए जो साइज़ आप चाहते हैं जो आपने रिसाइजिंग में किया है। इस तरह से रिसाइज टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों का होमवर्क है, ओपन योर डायरीज एंड नोट डाउन योर ICT डायरी पेज नंबर 24, डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन बुक। जो आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं
पेज नंबर 24 पर, वो आप अपनी बुक्स पर करेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने जो होम कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने एक जो टेबल है उसको मर्ज कैसे करते हैं, उसको सेपरेट कैसे करते हैं और उसको रिसाइज किस तरह से करते हैं, मूव किस तरह से करवाते हैं। आप लोगों ने अपने जो होम कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, एंड ऑफ द लेसन।